Uh, मैम डाइवर्जेंस स्पॉट जब मैं करता हूँ तो पता नहीं जब मैं वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरा एसएल हिट हो ही जाता है अधिकतर बार सिर्फ डाइवर्जेंस देख के आप ट्रेड कैसे ले सकते हो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाइवर्जेंस अब दूसरे दिन अगर ये गिर गया तो आप क्या करोगे आप डाइवर्जेंस पे ट्रेड लेते हो मैं डाइवर्जेंस पे ट्रेड नहीं लेती मैं ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे लेना है डाइवर्जेंस का ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं आपको समझाती हूँ चलिए हम टू डिग्री लोअर पे जाएंगे आपको समझाने के लिए मुझे बहुत इजी और अच्छा तरीका मिल जाएगा हम ये स्विंग लो लगाएं या ये लगाए जो आप बोलो ये लगा ये बहुत बड़ा है आप बर्दाश्त कर सकोगे मैं ही मैंने सुना है बहुत तरीके के होते हैं तो आप बता सकते हैं किस किस तरीके के होते हैं और ये फिफ्टी परसेंट की बुकिंग हो गई वो अलग मैं लॉस में आ सकती हूँ कभी नहीं हेलो एवरीवन वेलकम बैक हमारी नेक्स्ट एपिसोड में आ गए हैं लर्निंग सीरीज विद ज्योति मैम तो मेरे कुछ डाउट्स है आर के रिलेटेड तो ये वीडियो आप भी पूरी देखना क्या पता आपकी भी वो डाउट्स हो एंड अगर कोई डाउट्स मेरे से रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा वो मैं मैम से पूछूंगा तो चलिए ये डाउट्स ज्योति मैम के साथ क्लियर करते हैं हेलो मैम मैंने आपके बहुत सारे आर के वीडियोज देखे एंड उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है बट एक चीज ऐसी है जिसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ वो है डाइवर्जेंस वाली चीज़ नमस्ते फ्रेंड्स

कुछ भी करते हैं ये मत भूलो हमेशा से एक बात जो मैं रिंग में भी सीखी थी वो ये है कि भाव भगवान छे मतलब भाव भगवान है प्राइस इज गॉड तो अल्टीमेटली एक्शन हमको किस पे लेना है आर एस आई पे की प्राइस पे प्राइस पे आर एस आई इज जस्ट गिविंग एन इनसाइट ओके लेकिन ट्रेड तो हमें खुद लेना है भाव पे लेना है प्राइस पे लेना है क्या प्राइस आपको एक्शन बोल रहा है वो आपने चेक किया सिर्फ डाइवर्जेंस देख के ट्रेड कैसे ले सकते हो मैम क्या हम ये चार्ट्स में एग्जांपल के साथ देख सकते हैं ताकि मेरे को थोड़ी और क्लैरिटी है देखो, अभी एक चार्ट आपके सामने खोला हुआ है इसमें क्या दिख रहा है आपको क्या आपको दिख रहा है इसमें प्राइस इज मेकिंग लोअर लो राइट एंड आर एस आई इज मेकिंग अ क्लासिक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बिल्कुल राइट right? क्या ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बेस पे मैं ट्रेड ले लूंगी हुँ. जो अभी तक आप करते आए इस पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बेस हुँ. पे आपने ट्रेड ले लिया बिल्कुल लेकिन मुझे इसकी यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाइवर्जेंस hmm. अब दूसरे दिन अगर ये गिर गया तो आप क्या करोगे उसने डाइवर्जेंस दिखा दिया कभी कभी तो एक बार डाइवर्जेंस दिखाता है दो बार दिखाता है तीन बार दिखाता है चौथे बार ब्रेक डाउन कर देता है तो आपको लगता है कि डाइवर्जेंस दिखा लेकिन अल्टीमेटली वो डाइवर्जेंस ही नहीं होता सीधा ब्रेक डाउन कर देगा ओके। okay. तो ऐसी में मैं क्या करती हूँ मैं या सेम डे आपको जो टाइम फ्रेम चाहिए आपको नेक्स्ट डे ट्रेड लीजिए वो दिन को अवॉइड कर दीजिए

और ये वाला का कितना है तो क्या मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकती हूँ नहीं ले सकती हूं तो मैं इसके थोड़ा नीचे 1 की दर आसपास नीचे ले लूंगी ओके राइट अगर बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए तो अब इसको मैं एक और काम कर सकती हूँ इसको मैं टू लेवल्स लोअर मतलब डेली के बाद मैं फोर आवर सेवेंटी फाइव मिनट इतने सब नहीं देखती हूँ डेली okay. के बाद वन आवर थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स में जाती हूँ तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है यही था ना आपका डाइवर्जेंस का पॉइंट और इसके यहाँ पे आर देखो थर्टी के नीचे तो आर एस आई महीने क्यों कहा क्लोज आर को थर्टी के ऊपर तो आने दो ओके यहाँ पे थर्टी के ऊपर आई है ना लोअर टाइम फ्रेम में राइट यस अब दूसरे दिन ये यहाँ पे टू थर्टी के बाद मैं टू के बाद नया ट्रेड नहीं लेती अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही क्लासिकल कोई पैटर्न बन जाए तो बात अलग है अदरवाइज मैं टू टू थर्टी के बाद ट्रेड लेना पसंद नहीं करती हूँ टू बोला था पहले हाँ टू टू थर्टी ओके अब ये ओपन लो बन गया मेरा नेक्स्ट डे वही जो मैंने आपसे कहा था यस एंड ये देखिए कितना ब्यूटीफुली मूव कर रहा है कहीं भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है नहीं राइट right? आप डाइवर्जेंस पे ट्रेड लेते हो मैं डाइवर्जेंस okay. पे ट्रेड नहीं लेती मैं प्राइस के एक्शन ऑन डाइवर्जेंस उस पर ट्रेड लेती ओके okay. दूसरा क्या होता है एक और क्वेरी मेरे पास आती है वो ये है कि जब हम डाइवर्जेंस जैसे अभी आपने बोला कि डाइवर्जेंस पे मैंने ट्रेड ले लिया हम्म hmm. और ब्रेकआउट पे अभी अगर आप देखो तो यहां पे ब्रेकआउट हो गया यस yes, मैम तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया हां राइट right? अब ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे लेना है डाइवर्जेंस का ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं आपको समझाती हूं चलिए हम टू डिग्री लोअर पे जाएंगे आपको समझाने के लिए मुझे बहुत इजी और अच्छा तरीका मिल जाएगा ओके कैन आई ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन राइट इट इज गिविंग मी अ ब्रेकआउट क्लोज दिया hmm. जाते जाते क्लोज दिया है तो तो ट्रेड नहीं लेंगे। नहीं लेंगे? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे दिन भी वो गैप अप खुल जाते है. बिल्कुल. खुल बिल्कुल जाने दो ओके okay. लेकिन मैं आपको बताऊ मुझे अर्ली एंट्री मिल जाती है इसमें कैसे हाँ जी अभी वो देखिए जब मैं ब्रेकआउट देखती हूँ ना तो अकॉर्डिंग टू मी पहला ब्रेकआउट जो है वो आर में आना चाहिए Hmm. तो ये देखिए आरएसआई में पहला ब्रेकआउट आया hmm. कब आया ये तो एक दिन पहले ही आ गया मैम उसमें तो जिस दिन मैंने ओपन लो देख के इसको बाय किया hmm. तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था बिल्कुल तो आरएसआई ने ऑलरेडी मुझे ब्रेकआउट दे दिया था hmm. ओपन लो भी मिल गया था डेली hmm. में वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस था दो डिग्री में नीचे जाके देखा तो ब्रेकआउट था ओके okay. लेकिन आरएसआई में हमेशा पहले आएगा और प्राइस में बाद में कई बार ऐसा भी होता है जहां आरएसआई में पहले ब्रेकआउट नहीं आके प्राइस में पहले ब्रेकआउट आता है okay. मैं वो ट्रेड लेना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि उनमें हिट होने के चांसेस ज्यादा है प्रोबेबिलिटी जो है hmm. ब्रेकआउट की मतलब ब्रेकआउट मूव की वो मुझे कम लगती है ओके okay. और आई में जब पहला ब्रेकआउट आ गया तो अभी क्या हो गया मेरा यहाँ पे डे ऑफ ओपनिंग डे था नेक्स्ट डे का ब्रेकआउट भी हो गया और ओपन लो भी था प्राइस में कहा ब्रेकआउट आया तो प्राइस में नहीं है और ओपन लो नहीं है ओपन लो आ गया अब मैं यहाँ से ट्रेड ले सकती हूँ बिल्कुल राइट right? मेरे दो स्टॉप लॉस हो सकते हैं आइदर प्राइस बेस और आरएसआई बेस ओके अगर आरएसआई एस थर्टी के नीचे चला गया तो भी मैं हिट कर दूंगी और अगर प्राइस ये लो तोड़ देगा तो भी मैं हिट कर दूंगी ओके तो मेरा मिल गया ये ट्रेड अब

अगर वैसे भी ना देखो तो आर एस आई में ब्रेकआउट जाते जाते आर एस आई ने ब्रेकआउट दिया यू नो दैट क्या आप भी मेरी तरह स्विंग इंट्राडे और ऑप्शन तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो तो अपसर्स डॉट क्लब पे मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं 500 से भी ज्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं सो so, आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं hmm. सेम चीज मैं अगर यहां से करती हूँ राइट ओके तो क्या आर एस आई ने ब्रेकआउट पहले दिया है बिल्कुल तो अगेन आई कैन कैरी इट होम आज ये आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर ये बाईस तारीख का ट्रेड है पूरा ट्वेंटी थर्ड के ऊपर है गैप अप खुला ओपन हाई हुआ नीचे आया लेकिन ये RSI देखो आर एस आई नीचे आया क्या नहीं तो आई कैन होल्ड इट यस लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स टुमारो ओके सो फ्रेंड्स जो लोग इसे देख रहे हैं लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर अगर आर एस आई पहले सेवेंटी के नीचे आ जाता है तो मैं एग्जिट भी कर सकती हूँ पार्ट प्रॉफिट भी बुक कर सकती हूँ और अगर ये आर एस आई सेवेंटी के ऊपर कंटिन्यू करता है प्लस डेली वाला भी अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे भी एक दो जी जैसा कुछ बना के गया है अगर इसके ऊपर चलता रहा और यहाँ वाला एक ब्रेकआउट दे दिया ये यह वाला यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट बना के रखते हैं अगर ये वाला ब्रेकआउट दे दिया तो भी हम अपना बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा वो मैं थर्टी मिनट्स में देख के मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था राइट right? वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया बिल्कुल इसके नीचे तो लॉस तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल आई कैन कंटिन्यू और कल अगर ये ऊपर खुलेगा तो आई हैव वन मोर थिंग आई कैन बुक माई पार्ट प्रॉफिट तो मुझे स्टॉप लॉस का टेंशन भी खत्म हो जाएगा और दूसरा ये सेवेंटी के नीचे आएगा तब मैं सोचू hmm. चाहू तो मैं इसके साथ ई एम ए सिक्सटी वन लगा सकती हूँ तो अगर आप देखोगे तो जब तक ये लाइन ब्रेक करेगा ई एम ए भी इसके पास आ जाएगा तो ई एम ए का और इसका दोनों का अगर इसने ब्रेक कर दिया एक साथ देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्राइस कैन फॉल

थ्री जो आपको लगाना है चार रूपए का फर्क पड़ता है यहाँ पे लगा लिया लेटर से मैंने यहाँ पे लगा लिया अभी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है का इसमें साढ़े छूँ तो कितना होता है इसमें करते हैं तो जो भी है पहुंच गया टू सिक्स इतना दिमाग मत लगाओ अच्छा। और इतना कैलकुलेशन मत करो मैं आपको सिंपल वे देती हूँ यहाँ पे जाने का ये प्राइस रेंज है यहां से यहाँ करके इसका डिस्टेंस निकाल लो लोके okay. और इस डिस्टेंस को यहाँ पे डाल दो ओके okay? और क्या करोगे यहाँ पे आप अपना डाल के छोड़ दो अपना रेट कितना आ, आया ये हो गया ये अब मैंने गया। यहाँ पे फिफ्टी परसेंट बुक कर दिया okay. तो मुझे ये एसएल हिट हो भी गया तो घर से पैसा जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा ठीक नहीं जाएगा अब अब 500 सौ शेयर अब आज का जो दिन हुआ उसके बाद मार्केट गैपअप हुआ नीचे गया फिर ऊपर चला गया बिल्कुल तो मेरा ये स्टॉप लॉस जो है ये यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा और ये फिफ्टी परसेंट की बुकिंग हो गई वो अलग मैं लॉस में आ सकती हूँ नहीं। कभी नहीं नहीं चलो हटा दो इसको काम खत्म तो अब ये जब तक आर एस आई सेवेंटी के ऊपर है मुझे कोई टेंशन नहीं है मेरा एस एस जो हिट एंड गो है वो ये रह जाएगा आप ये रखो ये रखो या ईएमए और ये दोनों को अगर साथ साथ अपडेट किया तो फिर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन कम डाउन ओके तो मैं एक बार निकल जाऊंगी निकल जाने से क्या होता है कि मेरा जो आया हुआ पैसा है वो तो नहीं टूटेगा ना अभी तक तो मैंने स्टॉप लॉस बचाया है अब मेरे घर में पैसा आ जाएगा हाँ, अब जो भी बने वो होगा। अगर यहाँ इसके बीच में भी कहीं जाता है तो भी लॉस नहीं होगा क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा एक्चुअल ओरिजिनल स्टॉप लॉस तो यही था ना हां मैं उससे तो बच गई बिल्कुल दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू तो जब मुझे सपोर्ट पे मुझे आरएसआई अब बिलो से अबव मतलब नीचे से ऊपर थर्टी के ऊपर आनी चाहिए ओके या पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखना चाहिए मैम मैंने ये भी देखा लेकिन जब ब्रेकआउट होता है तो मुझे आरएसआई में पहले ब्रेकआउट चाहिए ओके मैं डाइवर्जेंस मैंने सुना है बहुत तरीके के होते हैं तो आप बता सकते हैं किस किस तरीके के डाइवर्जेंस होते हैं देखो एक डाइवर्जेंस होता है जो क्लासिक डाइवर्जेंस होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव और एक हिडन डाइवर्जेंस होता है ओके okay. पहले आप एक में मास्टरी करो ओके okay. दोनों को साथ साथ देखूंगी तो ज्यादा करके आपको कहीं वो दिखेगा कहीं वो दिखेगा कहीं वो दिखेगा कहीं वो दिखेगा, कहीं वो दिखेगा। आप देखिए जो लोग भी आपको सिखाते होंगे या तो वो पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जेंस सिखाते होंगे या फिर हिडन डाइवर्जेंस सिखाते होंगे दोनों एक साथ नहीं करते क्यों कि कुछ ना कुछ दिखते रहता है फिर आप ट्रेड नहीं ले पाओगे अंडरस्टूड तो yes. पहले अगर आपको हिडन डाइवर्जेंस मास्टरी करनी है तो हिडन डाइवर्जेंस जिसने भी आपको सिखाया हो या जहां से भी आपने सीखा हो पहले उसको मास्टरी कीजिए लेकिन okay. अगर आपको मेरा वाला सीखना है जो कि क्लासिक डाइवर्जेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव पहले इसको मास्टर कीजिए लेकिन एक्शन जो आएगा वो प्राइस पे ही आएगा प्राइस के बिना कोई एक्शन होता ही नहीं है okay. प्राइस एक्शन लोगे किस पे आरएसआई तो आप बाय नहीं कर सकते कि बाय कर सकते हो आरएसआई पे नहीं बाय तो आपको प्राइस, प्राइस पे ही पे करना पड़ेगा तो प्राइस को भी तो बोलने दो कि मैं रेडी हूं बाय प्राइस ही नहीं बोल रहा है तो फिर RSI के ऊपर मैं डिपेंड खाली अकेले पे नहीं रह सकती बिल्कुल राइट right? तो मैम नेगेटिव डाइवर्जेंस में भी इसी तरीके से करना रहेगा हमें चलिए वो भी देख लेते हैं अब आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है यस मैम प्राइस हायर हाई बना रहा है और आरएसआई लोअर लो तो ये क्या है रेजिस्टेंस

आपको यहाँ पे ओपन एंड हाई मिला है। राइट right? क्या है ओपन तीन सौ सात फाइव और मार्केट okay? yes. वापस ऊपर आया मतलब हाँ। नीचे गया था ऊपर आया नहीं उस दिन तो नहीं उस दिन नहीं आया आप नीचे गया ब्रेकडाउन दिया नहीं। पहला ब्रेकडाउन पहला ब्रेकडाउन मुझे आरएसआई में चाहिए okay. तो कब आया आर एस आई में ब्रेकडाउन कैन से दिस राइट ये देखिए तो उसके उसी ये दिन, तो दिन पहले आ गया था। ये देखिए ये hmm. आपका चार। तीन जुलाई क्लोज होते होते ऊपर ही रह गया हुआ तो क्लोज मान लो क्लो, अच्छा चलो इसको आप ब्रेक डाउन को इग्नोर कर दो हम इसको दो डिग्री लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कहीं भी डाउट है बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लोगों को डाउट होता है तो मैं सबको यही कहती हूँ डाउट मत कीजिए आपकी हर चीज का आंसर टू डिग्री लोअर या टू लेवल लोअर में आपको आंसर मिल जाएगा चलिए मैं यहाँ पे आपको ये सब दिखाती हूँ आर एस आई सेवेंटी के नीचे आया नहीं आ, थोड़ा सा आ गया ना सिक्सटी नाइन आ गया What about this? Hmm. साथ साथ में आएगा चलेगा पहले आएगा बेस्ट है आर एस आई में पहले ब्रेकडाउन प्राइस में बाद में ब्रेकडाउन बेस्ट आर एस आई प्राइस दोनों में साथ साथ ब्रेकडाउन चलेगा बट प्राइस में ब्रेकडाउन आर एस आई में नहीं होगा वो एक टाइप का हिडन डाइवर्जेंस टाइप का क्रिएट करके चला जाता है इसीलिए मुझे इसमें ब्रेकडाउन चाहिए और इसका लोअर लोअर इस टाइप से चाहिए जो भी है अंडरस्टूड तो इसलिए पहले एक डाइवर्जेंस में मास्टरी करो जिस दिन आप में एक डाइवर्जेंस में फुल्ली रेडी हो जाओगे ना तब मुझे बताना मैं हिडन डाइवर्जेंस आपको सिखा दूंगी तो आपको हिडन डाइवर्जेंस पे भी सेशन करके आपको अच्छे से सिखाऊंगी बट पहले आप डाइवर्जेंस में मास्टरी करो तो जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर उन्हें हिडन डाइवर्जेंस पे भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम ढाई हजार लाइक्स चाहिए अगर वो आता है तो हम हिडन डाइवर्जेंस का वीडियो भी रिलीज कर देंगे और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड लाइक क्लासिक डाइवर्जेंस में भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी हमारी टीम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी और उसके बाद आप देखिए जो गिरा है नीचे चलो ये हम कहते हैं कि एक एक्सट्रीम पीरियड था जहाँ पे हमको ये सब देखने मिला हम निफ्टी पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे आते हैं जिसपे आपको हम आ जाते हैं तो अब हम ये इंडाइसिस में देखेंगे बिल्कुल देख सकते हो कहीं भी देख सकते हो सब आपका है अभी ये देखिए यहाँ पे आपको कंटिन्यू तीन डाइवर्जेंस मिला राइट right? यहाँ पे भी आपको तीन डाइवर्जेंस मिला हम्म, राइट hmm. ब्रेकडाउन right? Hmm. मिला कहीं भी hmm. तो मैं कैसे ट्रेड कर सकती हूँ नेगेटिव सही बात है और फिर आगे जाके क्या हुआ ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया पहला ब्रेकआउट किस में आया आर एस में चाहिए तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख लो आपको आइडिया आ जाएगा कि पहला ब्रेकआउट कहाँ हुआ ये देखिए ये सेवेंटी के ऊपर आ गया सही बात है जहां पे आपको जवाब ना मिले चार्ट से पूछो मुझे जवाब चाहिए चार्ट आपको लोअर टाइम फ्रेम में दो लेवल लोअर में आपको आंसर दे देगा मैम hmm. Then क्या ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें आपने खुद ने कहीं रिसेंटली पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा हो दिखते ही हैं क्या अभी कोई एग्जांपल है अभी गेल दिखाया तो था आपको अभी देखो यहाँ पे आपको अदानी दिख रहा है अदानी एंटरप्राइजेस करके यस yes. क्या आपको लग रहा है इसमें कहीं ब्रेकआउट हो गया होगा प्रॉपर यस yes, मैम करीब करीब कह सकते हो गया ठीक है अब मुझे ये बताइए पहला ब्रेकआउट किस में आया है चाहिए थर्टी मिनट्स में जाके देखो और भी क्लैरिटी मिल जाएगी ये ब्रेकआउट यहाँ पे है यहाँ पे और ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पे है सही बात है अंडरस्टेड काफी ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस है राइट right. तो हमें जो है हर चीज का आंसर टू डिग्री लोअर इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ टू डिग्री लोअर जो है मिल जाता है बहुत सारी चीजों का आंसर तो वेन इन डाउट तो दो डिग्री लोअर चले जाने का दो लेवल लोअर जाके देख लेने का आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा मार्केट अपने आप आपको बताएगा

ये देखिए ये आपको डाइवर्जेंस कितना डाइवर्जेंस दिख रहा है कितने सारे डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, हैं? कंटिन्यू कहीं भी ब्रेकडाउन दिख रहा है ये देखिए hmm. डाइवर्जेंस की कहीं कोई कमी है लेकिन hmm. इसका शॉर्ट अगर मुझसे पूछोगे मैं तब तक नहीं करूंगी जब तक मुझे पहले एक तो यहाँ पे ब्रेकडाउन ना मिले जो कि तैयारी में है okay. और उसके बाद मुझे प्राइस में एक्शन ना मिले जो कि यहाँ पर है अंडरस्टूड हम्म चलिए यहाँ पर आपको एक और दिखा देते हैं ये एचडीएफसी बैंक यस मस्त ब्रेकआउट है हम्म इसमें पहले आया था हम्म आरएसआई में मैम काफी पहले आ गया था काफी पहले आए साथ-साथ में चलेगा प्राइस hmm. में पहले ब्रेकआउट बहुत कम देखने को मिलता है अगर मिल जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करती okay. मेरे कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ hmm. जिस सबसे पहला रूल स्टॉप लॉस दूसरा रूल उतना ही लॉस लो जिसमें आपकी पॉकेट को कोई तकलीफ ना हो और तीसरा जो रूल है जो जैसे मैंने कोई ट्रेड का एक सेटअप बनाया है वो सेटअप को मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ बिल्कुल और इसके साथ में मैं एक और बात ये कहती हूँ कि जो भी डाइवर्जेंस यूज कर रहे हैं पहले उस डाइवर्जेंस पे चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव मतलब पहले डायरेक्ट क्लासिक डाइवर्जेंस पे मास्टरी कर लीजिए फिर जब आप उसके लिए रेडी हो जाओ तो मुझे हिडन डाइवर्जेंस कमेंट में लिख देना मैं हिडन डाइवर्जेंस पर आपको वीडियोस बना कर दूंगी क्योंकि RSI अपने आप में इतनी बड़ी दुनिया है अगर मैं आर एस आई और प्राइस एक्शन आपको साथ में सिखाऊं और इतना बड़ा वराइटीज़ है इतने सारे वराइटीज़ है कॉम्बिनेशन है आर एस आई विथ प्राइस एक्शन डाइवर्जेंस है रेंज ब्रेकआउट है वराइटीज़ है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा थीसिस बन जाएगा तो आप लिखिए तो फ्रेंड्स जब भी आपकी कोई भी डाइवर्जेंस में मास्टरी हो जाए तब मुझे लिखिएगा कि आपको हिडन डाइवर्जेंस चाहिए इन आर एस आई मैं हिडन डाइवर्जेंस का वीडियो लेके आपके पास आ जाऊंगी और इसका सेकेंड पार्ट मत भूलिएगा उसमें मैं एम सी डी भी ऐड करूँगी कि आर एस आई विथ एम सी डी मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ और दोनों के कॉम्बिनेशन पे कैसे काम कर सकते हैं तो जब तक सेकेंड वीडियो आए तब तक फर्स्ट वीडियो पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए नमस्ते तो अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जाके अपना जो भी कमेंट है ड्रॉप कीजिएगा हमारी टीम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में